मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास, लेसन नंबर 8, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, अभी पहली वीडियो में आपको ये लेसन शुरू किया गया है कि जीव जनन कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। वीडियो में पहुंच गए हैं एकल जीवों में प्रजनन की विधि, अर्थात एकल जीवों में जिन जो जीव मेल और फीमेल नहीं होते। मेल और फीमेल का मतलब नर और मादा, मेल और फीमेल नहीं होते, उन जीवों के अंदर जनन की क्रिया कैसे होती है, इस चीज़ को हमको यहाँ पर समझना है। एकल का मतलब है एक, नर या मादा एक ही जीव में होते हैं, तो वो जीव जनन कैसे करते हैं। बच्चों आप पहले पढ़ चुके हैं कि ईस्ट और कवक, कुछ ऐसे हमारे यहाँ कुछ जीव ऐसे हैं जो निम्न श्रेणी के जीव हैं, जैसे ईस्ट है, कवक है, अमीबा है, पैरामीशियम है, ये सभी जीव ऐसे हैं जिनमें मेल और फीमेल अलग अलग नहीं होते, वो एक ही जीव के अंदर मेल और फीमेल होते हैं, जिनको हम एकल जीव कहते हैं। एकल का मतलब सिंगल, मेल और फीमेल सभी उसी में ही होता है। और वो जीव जो किस प्रकार के जनन क्रिया करते हैं, तो जिसमें ईस्ट और कवक के बारे में आपको बताया जाएगा कि ईस्ट और कवक की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए और ज्ञात कीजिए कि इसमें क्या अंतर है, अर्थात ईस्ट और कवक किस प्रकार वृद्धि करते हैं। वृद्धि का मतलब होता है बच्चों कि वे अपनी पीढ़ी को या अपनी संतानों को कैसे उत्पन्न करते हैं, उस जैसे जीव कैसे पैदा होते हैं, इस पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इस चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जानें कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। ठीक है कि जीव कौन सा जीव कैसे जनन क्रिया करता है, विभिन्न जीवों के जन्म की विधियाँ, उनके शारीरिक आकार, शारीरिक संरचनाओं अर्थात शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है। जीव जो जैसा होगा उसके अंदर जनन क्रिया भी उसी प्रकार के से होगी। अब हम ईस्ट और कवक के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं, या हम सभी जीवों के बारे में यहाँ चर्चा करने वाले हैं कि किस जीव में किस प्रकार की जनन क्रिया होती है। तो सबसे पहले हम एकल जीवों में अध्ययन करेंगे, जैसे ईस्ट है, कवक है, कि ये कैसे वंशागति करते हैं, कैसे अपने वंश को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों इसमें आता है विखंडन, सबसे पहले क्रिया क्या है, विखंडन। जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं, समझ गए, एक कोशिकीय का मतलब होता है बच्चों एक कोशिका वाला जीव, कि एक कोशिका के अंदर ही संपूर्ण क्रियाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसे जीवों को हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं या निम्न श्रेणी के जीव कहा जाता है। तो इनमें कोशिका विभाजन तथा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। जो ऐसे जीव होते हैं जैसे ईस्ट है, कवक है, अमीबा है, पैरामीशियम है, तो इन सभी जीवों में विखंडन के द्वारा, विखंडन का मतलब ही आप समझ रहे हैं कि एक कोशिका को दो बराबर खंडों में बांट देना, विभाजित कर देना, इसको हम विखंडन कहते हैं। विखंडन के अनेक तरीके यहाँ पर बताए गए हैं। जीवाणु और प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है, जैसे जीवाणु हैं, बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स, अमीबा, पैरामीशियम, मैंने अभी आपको बताया था। तो ये जीव ऐसे होते हैं कि इनका पूरा शरीर एक कोशिकीय होता है और एक कोशिकीय दो बराबर कोशिकाओं में बट जाती है, और समझ लीजिए अनुकूल परिस्थितियों में, फेवरेबल कंडीशन में, ये एक कोशिका दो बराबर कोशिकाओं में बट जाती है और दो जीवों का निर्माण हो जाता है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल से हो सकता है, क्योंकि अमीबा एक ऐसा जीव है जिसको बताया जाता है कि अमर प्राणी है, इसको कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, तो ये किसी भी प्रकार से अपनी कोशिका का विभाजन करके अपनी संतति पैदा कर सकता है, अपनी वंशागति को आगे बढ़ा सकता है। तो इसमें विखंडन के द्वारा ही जीव उत्पन्न होते हैं। परंतु कुछ एक कोशिकीय जीव ऐसे भी हैं, चित्र में आप देख रहे हैं, अमीबा में द्विखंडन विधि आपको दिखाई गई है, एक अमीबा है, फिर उसमें कुछ फेवरेबल कंडीशन आती हैं और एक ही अमीबा दो बराबर अमीबाओं में बट जाता है। इसी प्रकार बच्चों ये लेसमानिया है जो एक कोशिकीय जीव है, और ये भी धीरे धीरे बढ़ता हुआ यहाँ पर आपको दो बराबर भागों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये ही लाइन ऊपर तक बढ़ जाती है और एक जीव दो बराबर जीवों में बढ़ जाता है। तो कुछ एक कोशिकीय जीव की शारीरिक रचना इतनी अधिक संगठित होती है, उदाहरण काला जार के रोगाणु, जो काला जार बीमारी होती है उसके जो रोगाणु हैं, लेसमानिया में कोशिका के एक सिरे पर कोड़े के समान सूक्ष्म संरचनाएं होती हैं, ऐसे जीवों में द्विखंडन और निर्धारित तल से होता है। यह आप समझ सकते हैं कि निर्धारित तल का मतलब कि नीचे से ही हो, ऐसे कुछ जीव हैं जिनमें एक निश्चित स्थान से ही होता है। अभी आपने पढ़ा है अमीबा में किसी भी स्थान से हो सकता है,
किंतु लेशमानिया जैसे जो रोगाणु हैं इनके अंदर एक निश्चित स्थान से ही द्विखंडन की क्रिया होती है। मलेरिया परजीवी है जो प्लाज्मोडियम जैसे अन्य एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन भी कहते हैं। द्विखंडन का मतलब होता है बच्चों एक कोशिका से दो कोशिकाओं में बंटना, और बहुखंडन का मतलब होता है कि एक कोशिका से कई दो तीन चार पाँच कोशिकाओं में बंट जाना, इसको हम बहुखंडन कहते हैं। ऐसा होता है मलेरिया परजीवी जो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स एक वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो रोगाणु है जिसके जिससे मलेरिया की बीमारी फैलती है उसमें बहुखंडन होता है, अर्थात वो एक कोशिका ही कई कोशिकाओं में बढ़ जाती है, जिसको हम बहुखंडन कहते हैं। अभी आपको बताया गया था, ये आप चित्र में देख रहे हैं, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन, देखिए एक कोशिका कितनी बराबर कोशिकाओं में बटी हुई। ये जो बाहर की भित्ति है जो सेल वॉल है बाहर की जो दीवार है ये फट जाएगी और एक कोशिका से देखिए इतनी कोशिकाएँ बढ़ जाते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि इनकी जनन दर कितनी तेज गति से होती है। तो इस प्रकार का ये अन्न। दूसरी ओर ईस्ट जो कोशिकाएं हैं उसमें छोटे मुकुल, मुकुल का मतलब होता है बड्स, बड्स मीन्स BUDS, बड्स मीन्स मुकुल, उभार, मुकुल का मतलब उभार, उभार ऐसे बन जाते हैं और यही उभार धीरे धीरे इतनी लंबाई इनकी बढ़ जाती है कि वे अपने मात्र कोशिका से अलग होकर के अलग ही जीव का निर्माण कर लेते हैं। इस तरीके से ईस्ट में बडिंग के द्वारा, बाई बडिंग या बाई मुकुलन के द्वारा कोशिका के अंदर विभाजन होता है और एक ईस्ट कोशिका से कई कोशिकाएं बन जाती हैं। इस तरीके से ये प्रक्रियाएं बराबर चलती रहती हैं, जिनको हम छोटे जीवों के अंदर आसानी से देख सकते हैं। जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं बच्चों, ऐसा पेड़ पौधों में भी होता है। पेड़ पौधों में जो सबसे सूक्ष्म पौधे होते हैं वो होते हैं शैवाल, जिसको हम काई कहते हैं। आपने देखा होगा बरसात का मौसम जो आजकल चला हुआ है इसमें कई जगह हरे रंग की काई हमें दिखाई देती है। ये कम्प्लीटली प्लांट्स है, कम्प्लीट पौधा है, ये पूर्ण पौधा है, जैसे स्पाइरोगायरा है, ये ऐसे ही ये हैं, जब काई के समान हमें दिखाई देते हैं, किंतु ये विकसित होकर छोटे छोटे खंडों में खंडित हो जाते हैं और प्रत्येक खंड वृद्धि करके नए स्पाइरोगायरा को जन्म देता है। और इस तरीके से जो है ये पेड़ पौधों के अंदर भी इस प्रकार की क्रियाएं द्विखंडन, बहुखंडन, विखंडन और खंडन जैसी प्रक्रियाएं दिखाई दे सकती हैं, किंतु ये सब कहाँ संभव है, जो एक कोशिकीय जीव हैं, एक कोशिकीय पौधे हैं, अर्थात बहुत सूक्ष्म श्रेणी के जो निम्न श्रेणी के जो जीव हैं उनके अंदर इस प्रकार का इस प्रकार के जनन की क्रिया होती है, या उसी इसी प्रकार से वे अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जैसे संतानें पैदा कर सकते हैं, क्योंकि वो एकल जीव होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं, उसी के अंदर ही संपूर्ण क्रियाएं निश्चित होती हैं। ठीक है बच्चों, तब बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षा अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। ये सभी जो आप पढ़ रहे हैं एक कोशिकीय जीवों के बारे में बताया जा रहा है, चाहे उसमें जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं बच्चों, किंतु जो बहुकोशिकीय जीव हैं, बहुकोशिकीय जीवों का मतलब होता है जिसमें अलग अलग कार्य करने के अलग अलग अंग होते हैं। ठीक है, अलग अलग कार्य करने के अलग अलग अंग होते हैं, उनको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, और उनकी प्रक्रिया जटिल होती हैं, और एक कोशिकीय जीवों की अपेक्षा उनकी प्रक्रिया बहुत जटिल होती हैं और जटिल विधि की उसको आवश्यकता होती है। बच्चों नेक्स्ट पेज पर चलने वाले हैं। बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार के कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। अभी आपको बताया था कि बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उनमें अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग काम कार्य करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। उनके शरीर की बनावट, उनके शरीर की रचना इस प्रकार होती है कि वो एक अंग एक ही प्रकार का कार्य कर सकता है। इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? उसका उत्तर है, जीवों में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिसमें वृद्धि क्रम प्रसरण उचित परिस्थितियों में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। ये से बहुकोशिकीय जीवों में ही होता है। बच्चों अब ये है पुनरुद्भवन, जिसको हम इंग्लिश में रीजनरेशन बोलते हैं, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। ठीक है बच्चों, रीजनरेशन ये सबसे ज़्यादा प्लेन एरिया के अंदर होती है या हाइड्रा के अंदर होती है। हाइड्रा प्लेन एरिया, दोनों सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी हैं, चाहे उसमें हाइड्रा है प्लेन एरिया है, और इनमें आप चित्र में देख रहे हैं
कि किस प्रकार एक कोशिका ही दो या तीन भागों में बंटती है और तीनों जो अलग अलग भाग हैं वो तीन अलग अलग प्लेनेरिया या हाइड्रा के नए जीवों को जन्म देते हैं पुनरुद्भवन के द्वारा, रीजनरेशन के द्वारा। और ये बच्चों जो होता है इसमें कई बार क्या होता है कि किसी कारणवश अगर कोई जीव छत विछत हो जाता है या वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है किसी कारण से, तो जितने भी टुकड़े होंगे वो सभी नए पौधे को, नए जीव को जन्म दे देते हैं। ये पुनरुद्भवन की विशेषता है जो कि प्लेनेरिया और हाइड्रा के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। अब यहाँ समझ सकते हैं, किसी कारणवश जीव छत विछत हो जाता है, उसके कुछ टुकड़ों में टूट जाता है, उसके अनेक टुकड़े वृद्धि करके वही टुकड़े जिसमें अलग अलग हुआ है नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जैसे हाइड्रा और प्लेनेरिया। जो सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर डेवलपमेंट करके पूर्ण जीव का, कंप्लीट एनिमल्स का निर्माण कर लेता है, पूर्ण जीव का निर्माण कर लेता है। इस क्रिया को ही पुनरुद्भवन कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। तो इसमें जो है मेल और फीमेल की अलग अलग आवश्यकता नहीं होती, एक जीव जो एक कोशिकीय जीव है इस प्रकार के पुनरुद्भवन के द्वारा भी ये अपने वंश को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जैसे संतानें पैदा कर सकते हैं जो अभी आपको बताया गया है। अगर उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा तो दो टुकड़े दो जीव बन जाएंगे, तीन में चार में, तो इस क्रिया को कहते हैं हम रीजनरेशन। कोशिकाओं के इस समूह में परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं ऊतक बनते हैं, परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप एवं क्रम से होता है, ऐसे जिसे परिवर्धन कहते हैं। परिवर्धन का मतलब बच्चों डेवलपमेंट। परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता। इसमें बच्चों मेल जो कोशिकाएं होती हैं, जीव की जो कोशिकाएं होती हैं उनको अंदर, उन कोशिकाओं के अंदर पहुंचना बेहद ज़रूरी होता है, तभी नए पौधे को जन्म या नए जीव को जन्म हो सकता है। इसमें ऐसा नहीं है पुनर्भवन के अंदर कि हम हाइड्रा या प्लेनेरिया के किसी भी हिस्से को काट दें और वो ही नया जीव बन जाएगा, ऐसा नहीं। किंतु कैसे होगा, वो इस प्रकार होगा कि अगर कोशिकाएं जो प्लेनेरिया के अंदर की कोशिकाएं हैं उनका अगर विभाजन होता है और वे कोशिकाएं प्रत्येक टुकड़े के अंदर हैं, वे कोशिकाएं प्रत्येक टुकड़े के अंदर हैं तो वो सभी टुकड़े कंप्लीट या डेवलपमेंट करके पूर्ण जीव का निर्माण कर देते हैं। इस क्रिया को पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मुकुलन। मुकुलन की क्रिया बाई बडिंग होती है, ये आप देख रहे हैं, और ये हाइड्रा जैसे जीवों में सबसे अधिक दिखाई देती है। हाइड्रा, इसका मुकुलन का मतलब ये होता है इसमें गांठ जैसी रचनाएं उभार जीवों के अंदर को उभार बन जाते हैं, और ये फेवरेबल कंडीशन में जब स्थितियां अनुकूल होती हैं, जब स्थितियां अनुकूल होती हैं उसमें इस प्रकार के उभार बन जाते हैं जिनको हम मुकुल कहते हैं, और यही उभार नए जीव में पूर्ण विकसित हो जाते हैं, बदल जाते हैं, और कुछ समय पश्चात यही जीव अपने माता पिता जीव से या जनक जीव से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। इस क्रिया को बच्चों बाई बडिंग या मुकुलन कहते हैं। मुकुलन मतलब उभार, गांठ जैसी रचनाएं जीवों के अंदर बन जाती हैं और धीरे धीरे, या आप चित्र में देख रहे हैं कि पहले थोड़ा सा उभार बनता है, फिर उभार थोड़ा और बढ़ जाता है, उसके बाद उभार जो है कंप्लीट नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, और जब फेवरेबल कंडीशन होती हैं, अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, तब ऐसे ये सभी उभार अलग हो करके नए जीव का निर्माण कर देते हैं। इस क्रिया को हम मुकुलन क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है बच्चों कायिक परिवर्तन। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिसके पौधे के भाग, किसी भी भाग को जैसे जड़ है, तना है, पत्तियाँ हैं, उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। कायिक परिवर्धन आपने देखा होगा, जैसे गन्ने की खेती करते हैं, गन्ने को टुकड़ों में काट करके ज़मीन में बो दिया जाता है और कुछ समय पश्चात उससे नया पौधा बन जाता है। गुलाब की टहनी को काट करके बच्चों ज़मीन में दबा दिया जाता है, ये भी कायिक परिवर्धन है। आलू को जब खेत में बोया जाता है तो आलू के अंदर कई पीस करके उसको भी फेवरेबल कंडीशन में, उपयुक्त परिस्थितियों में ज़मीन के अंदर दबा दिया जाता है तो नए पौधों का निर्माण हो जाता है। ऐसे हम कई हैं, शकरकंद जब होते हैं तो उसके तने को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर ज़मीन में दबा दिया जाता है, ऐसे कि कई प्रकार के पौधों का निर्माण हम करते हैं, और ये पौधों के अंदर होने वाले
का एक तरीके से जनन की क्रिया पौधों के अंदर होती है, जिसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं, कायिक प्रवर्धन, या इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस तकनीकी से हम कृषि में, खेती में ये तकनीकी बहुत लाभदायक है। और जैसे गन्ना, गुलाब अथवा अंगूर, इसके कुछ उदाहरण हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों से बीज द्वारा उगाए गए पौधों की अपेक्षा पुष्प और फल कम समय में लगने लगते हैं। इस विधि के द्वारा जो पौधे तैयार किए जाते हैं उसमें पैदावार अच्छी होती है। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब और चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके होते हैं, अर्थात इनमें बीज नहीं होता है, बीज से ये पौधे तैयार नहीं होते हैं। समझिए बच्चों, इसलिए आपने देखा होगा कि केले का बीज आप कहीं नहीं देख पाएंगे, संतरे का, गुलाब का और चमेली का। ये सब टहनियों को काट करके ज़मीन में बोया जाता है, या इसके तनों को काट करके बोया जाता है, या इसको जड़ इसकी दबाई जाती है, तभी ये जो है नए पौधे को का विकास करते हैं। कायिक प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं, और पौधा जैसा जनक होगा वैसे ही उसके उत्पन्न होने वाले जो पौधे हैं वो भी उसके समान ही होते हैं। अगर पौधा अच्छा है, उसको हमने वेजिटेटिव से तैयार किया है, तो वो जो पौधे पैदा होंगे वो भी अच्छी श्रेणी के ही होते हैं। इसी प्रकार ब्रायोफिलम की पत्तियाँ, ब्रायोफिलम एक ऑर्नामेंटल प्लांट्स है बच्चों, घरों में बोया जाता है सुंदरता के लिए। ब्रायोफिलम की पत्तियाँ के किनारों से ही आप चित्र में देख रहे हैं, ये ब्रायोफिलम की पत्ती है, और इसी से किनारों से ही कलिकाएँ निकलनी शुरू हो जाती हैं, और ये कलिकाएँ टूट करके ज़मीन पर गिर जाती हैं और एक तरीके से नए पौधे को जन्म दे देती हैं, तो इसको भी हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं। और ब्रायोफिलम के अंदर ये कायिक प्रवर्धन सबसे अच्छा होता है कि पत्तियों पर लगे हुए छोटे छोटे कलिकाएँ यही नए पौधे को जन्म देती हैं। इस तरीके से आप घरों में बहुत से मनी प्लांट्स वगैरह लगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं, आलू अपने खेतों में बोते हैं, शकरकंद बोते हैं, और भी अन्य गन्ने की खेती करते हैं, गुलाब लगाते हैं, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जिसको हम कायिक प्रवर्धन के द्वारा बच्चों तैयार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बीजाणु समासंग। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में से विशिष्ट जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे क्रियाकलाप 8.2, ये ब्रेड पर धागे के समान कुछ संरचनाएं विकसित होती हैं। आपने ब्रेड देखा होगा, जो खाने वाला ब्रेड होता है बच्चों, जिसको खाया जाता है, और अगर उसको हम नमी में कुछ समय के लिए रख दें तो उस पर फूई लगनी शुरू हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कवक। क्या कहते हैं? कवक, राइजोपस। क्या कहते हैं बच्चों? राइजोपस। और उसको उसमें जो है उसका अगर हम स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो समझ लीजिए वो एक तरीके से कवक है, जिसको साधारण भाषा में फूई कह करके बोला जाता है, और ये समझ लीजिए कि ये राइजोपस है। उसके अंदर भी इस प्रकार के ऐसे ही अपनी संतति, अपने समान जीवों को पैदा करने की शक्ति होती है ये, परंतु उदर तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। ये गुच्छ बीजाणुधानी, जिनमें विशेष कोशिकाएं तथा जीवाणु पाए जाते हैं, यह बीजाणु वृद्धि करके राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणु के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है। और बच्चों एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि इसमें तो आपको ये चित्र बड़ा दिखाई दे रहा है, किंतु ऐसा ही कंप्लीट प्लांट्स होता है, ये कवक होते हैं जिसको हम फूई कहते हैं, और अधिकतर ये खाने के जो हमारे पदार्थ हैं उन पर ये नमी, जैसा मौसम अब चल रहा है ऐसे मौसम में ये अधिक दिखाई देते हैं, और उस जिस खाद्य पदार्थ पर ये पैदा हो जाते हैं या दिखाई देते हैं तो उसको पूर्ण रूप से नष्ट कर देते हैं। अब तक जनन की जिन विधियों की हमने चर्चा की है उन सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एकल जीव द्वारा होता है, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। ये जितने भी विधियां हमने पढ़ी हैं, चाहे वो कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा है, बाई बडिंग पुलन के द्वारा है बच्चों, या रीजनरेशन के द्वारा है, पुनरुद्भवन के द्वारा है, विखंडन के द्वारा है, खंडन के द्वारा है, इन सभी को हम, ये सभी विधियाँ एकल जीव में ही होती हैं, और इनको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अलैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये केवल एकल जीवों द्वारा ही होता है, जितने भी आपने ये हेडिंग अब तक पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजा जाएगा लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है बच्चों? लैंगिक जनन ये नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजा जाएगा, वीडियो देखते रहें, और कोई बात अगर समझ में नहीं आती है तो उसको आप स्कूल में आकर के समझें,
बुक्स लें, स्कूल से जुड़ें, क्योंकि ये टाइम आपका ऐसा चला हुआ है कि जिससे आपके कोर्स टाइम पर कंप्लीट करा दिए जाएं और आपके टेस्ट जो अभी फर्स्ट टर्म का टेस्ट सितंबर में होने वाला है उसको भी आपको बता दिया जाएगा। इसलिए आप पूरी तैयारी करके चलेंगे तो टेस्ट में या किसी तरीके की आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू।